ये कैसे हो आप लोग। तो गाइज आज मैं जाने वाला हूँ अपने घर दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश की सफर तय करूंगा अभी अपनी बाइक से। तो पहला ब्लॉग है मेरा, फर्स्ट टाइम है मेरा दिल्ली से ऋषिकेश हरिद्वार का। तो गाइज रात में निकलूंगा मैं, तो आप बने रहना मेरे ब्लॉग में, मजा आने वाला है। और मैं सबसे पहले जो रूट है जो रास्ता है मैं आपको बता देता हूँ। सिग्नेचर में सबसे पहले जाऊंगा वहां से गाजियाबाद, गाजियाबाद से मैरठ हरिद्वार वाला रोड पकड़ूंगा, वहां से सीधे ऋषिकेश। तो गाइज बने रहना, आपको पूरी बातचीत बताऊंगा वहां की और मजा आने वाला फुल ब्लॉग में। तो चलते हैं गाइज। लोगों में तैयार हो गया हूँ, मेरा बैग मैंने अपना लटका लिया, इसमें मेरा सारा लगेज है, सारा सामान है जो मेरे आगे सफर में काम आएगा। तो गाइस अपने घर से मैं निकल रहा हूँ जयपुर की। और गाइस पूरे वीडियो ब्लॉग देखना पूरा, आपको फुल मजा आने वाला है। और मेरा फर्स्ट ब्लॉग है दिल्ली से ऋषिकेश हरिद्वार का। तो ये मेरे यहाँ का उद्योग नगर का मेट्रो स्टेशन है और ये मैं गाड़ी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी टाइम कितना हो गया, रात का समय है, अभी 10:30 होने जा रहे हैं, 10:26 हो गया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा गाड़ी और देखता हूँ कि तो गाइस मैं अब आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले मैं जाऊँगा सिग्नेचर भी दिखाता हूँ मैं, वहीं उसी रास्ते ही मुझे गाजियाबाद जाना होगा, गाजियाबाद से फिर मुझे मेरठ हरिद्वार का मुजफ्फरनगर वाले रास्ता से सीधे खटोली होते हुए रुड़की होते हुए हरिद्वार ऋषिकेश जाऊँगा। और गाइस बने रहना, मैं हर महादेव से विनती यही करता हूँ कि कोई दिक्कत ना आए। और गाइस वीडियो को पूरा देखना, बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ और काफ़ी अपनी बाइक से पहले कभी नहीं गया, इतना लंबे सफ़र नहीं किया। अभी देखिए कितने क्लियर भाव यार, मैं आपको अभी और कैमरा ऊपर पूरा घुमा के दिखाता हूँ, बिल्कुल नीचे से पूरा दिखाऊंगा इसको। ये देखिए कितना क्लियर, बहुत वाव यार, वाव ब्यूटी, बहुत बढ़िया, मतलब यार इतना खतरनाक दिल्ली में भाई मज़ा आ गया यार। ये देखिए कितने वाव यार, कितने करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए वाव मज़ा आ गया यार, बिल्कुल दिल खुश जाते हैं ऐसी चीज़ दिल्ली में। गाइस सुबह आके बज गए 6 और अब मैं जा रहा हूँ गंगा स्नान करने। तो फर्स्ट टाइम मेरे को डर भी लग रहा है, बहुत बहाव है, बहुत तेज वाला। तो अब देखते हैं क्या है बाकी भी आगे। चलो भाई जा रहा हूँ, जा रहा हूँ भाई, तो बहुत मजा आ रहा है। तो आप ये देखिए आरती शुरू हो चुकी है यहाँ पर, और देखिए कितने सारे इकट्ठा हो गए सारे लोग यहाँ पे अड़की पेड़ी से। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा, आपको एक बार घुमा घुमा के दिखा दो कैमरा, ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा, सारे खड़े हो गए आरती में। ये देखिए कितना खूबसूरत सुबह सुबह का नज़ारा, सुबह की आरती है ये, सारे लोग इकट्ठा होकर आरती का शामिल होते हैं, आरती में रहते हैं, बहुत बढ़िया लगता है और अच्छा लगता है यहाँ पे। ये देखिए मैं तो काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, बहुत पहले आया था, काफ़ी टाइम पहले आया था। ये देखिए बहुत बदलाव हो गया, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर, आपको दिखाता हूँ चारों ओर। ये देखिए सुबह सुबह सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं आरती में, और धीरे धीरे करके बहुत ऐसे ही दिन बढ़ता जाता है और बहुत भीड़ भाड़ हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और आपको अभी और आगे की तरफ ले जाता हूँ, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको एक, ये सामने जो मेरे झूला देख रहे हो यहाँ की ओर ले जाऊँगा आपको मैं, इस झूले से भी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ पानी का भाव, बीचों बीच जाके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए कितना बहुत ही अच्छा नज़ारा है सुबह सुबह, तो बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। मैं थक गया था दिल्ली से आके, बिल्कुल रात भर सोया नहीं और चलाता रहा गाड़ी कंटिन्यू, पर बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे गंगा स्नान करके, मेरे सारी थकान दूर हो गई, बहुत मज़ा आ गया। हरिद्वार में बहुत ही बढ़िया तरीके से, ये देखिए बिल्कुल चारों तरफ सब पानी पानी, गंगा मैया ही बह रही है, देखिए बहुत ही मज़ा, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का, मज़ा आ गया भाई, बिल्कुल मज़ा एक नंबर की बात है। मैं जय बोले बाबा की जय हो, और भी आगे और भी दिखाऊंगा। तो गाइस मैं यहाँ से अब ऋषिकेश की तरफ जा रहा हूँ, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार ही और हरिद्वार का नज़ारा। ये मंदिर है, यहाँ पर ही आरती होती है, यहाँ से ही सारे लोग अंदर जाते हैं आरती में शामिल होते हैं,
बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे जूते चप्पल बाहर उतारें और अपना अंदर जाइए, बहुत बढ़िया अच्छा लगता है। और यहाँ की मार्केट अब सुबह सुबह खुल रही है, देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि हरिद्वार आए हैं, ऐसा लगता है बहुत ही कोई बाहर कंट्री में आए हैं। इतना खूबसूरत बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे कर दिया गया, बहुत साफ़ सुथरा रोड है, बहुत बढ़िया क्लियर। ये देखिए एक बार मैं जाते आते आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ, ये देखिए कितना क्लियर, बहुत ही अच्छा सुबह सुबह का नज़ारा, सब लोग स्नान कर रहे हैं और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा रख सकते हो। जूते चप्पल की है यहाँ पे, मैंने अपनी बाइक यहीं पे खड़ी कर रखी है, अभी मैं आपको अपनी बाइक दिखाता हूँ। ये देखिए वो खड़ी मेरी सामने बाइक, ये रही मेरी पल्टीना, ये रही गाइस इसी से मैं आया हूँ और यही मेरी जीवन साथी है। तो गाइस ये देखिए अब मैं, ये देखिए गाइस अब मैं ऋषिकेश का और देखता हूँ ऋषिकेश में कितना क्या बदलाव हो गया, क्या नज़ारे हैं वहाँ के। तो आपको मैं बने रहना, अब स्किप ना करना प्लीज़, पूरा देखना आप, बहुत ही अच्छा लगेगा कितने क्लियर। गाइस ये देखिए मैं अब यहाँ पे पहाड़ों की आ गया हूँ, बहुत ही ऊपर आ गया था ऋषिकेश के ऊपर, पहाड़ों की वादियों में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको नीचे की ओर दिखाता हूँ, कोशिश करूँगा काफ़ी लोग राफ्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको कोशिश कर। तो गाइस यहाँ से मैं नीचे अभी उतरा था, यहाँ से आने के बाद ये देखिए ये रही मेरी बाइक, यहाँ बाइक खड़ी कर सकते हो और ये यहाँ का व्यू है, देखिए यहाँ पे कितना शानदार नज़ारा है यहाँ का। और आपको मैं अभी नीचे ले जाके भी दिखाऊंगा, यहाँ पे राफ्टिंग वगैरह होती है, देखिए फुल इंजॉय कर रहे हैं, देखिए और फुल बातचीत, फुल मज़ा आ रहा है यहाँ पे, देखिए फुल राफ्टिंग करते हैं लोग बाग और पहाड़ों की बात को, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और इतना क्राउड होता है कि बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। मैं और दिन आया हूँ तो इसलिए थोड़ा भीड़ भाड़ नहीं है, बाकी लोग बाग इंजॉय कर रहे हैं, राफ्टिंग वगैरह कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ना कैसे राफ्टिंग फुल मज़े मस्ती में ले जा रही, फुल कर रहे हैं, फुल दबा के, ये देखिए फुल मज़े ले रहे हैं, इंजॉय, एक नंबर की बातचीत आ रही है। आप भी आइए फटाफट राफ्टिंग कीजिए और मज़ा आने वाला है यहाँ पे ज़बरदस्त वाला। भाई मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है पानी से, इसलिए मैं बहुत दूर रहता हूँ, आप आइए और खतरों के खिलाड़ी बनिए। तो मैं आपको राम झूला की ओर ले जाऊंगा, यहाँ पे लास्ट बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह, ये देखिए आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, कितना बढ़िया नज़ारा है। आइए इस केस आइए और फुल मजे लीजिए यहाँ के, गाइस मैं अब मैं ऋषिकेश से अब मैं वापस हरिद्वार की ओर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे दिल्ली की ओर जाना है, अब वापस घर जाना है, तो मैं वहाँ पर जाके एक बार और स्नान करूँगा गंगा में, फिर मैं दिल्ली की ओर रवाना होऊंगा। तो गाइस यहाँ पे ये रोड भी देखिए कितनी क्लियर और बहुत ही अच्छा है, यहाँ के खूबसूरत है पेड़ पौधे, यहाँ पे देखिए कितने बढ़िया नज़ारे, यहाँ पे पहाड़ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए यहाँ के मकान देखिए आप, बिल्कुल हटके, बिल्कुल एक नंबर के, अलग ही घर वर, देखिए घर कितने प्यारे हैं, ऐसे लग रहे कोई बाहर कंट्री में आए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा नज़ारा, खूबसूरत घर वगैरह यहाँ के, देखिए कितने प्यारे नज़ारे हैं। बता देता हूँ राफ्टिंग जिनको करनी है, अगर आपका भी मन करता है राफ्टिंग आने का, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना राफ्टिंग के कितने सारे यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे बात करके 500-600 रुपये में अपना किलोमीटर के हिसाब से राफ्टिंग करने का पैसा लिया जाता है, तो आप यहाँ से राफ्टिंग की अपने बात करिए और बढ़िया से अपने राफ्टिंग का एंजॉय कीजिए, क्योंकि भाई मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मेरे को डर लगता है पानी से। ये देखिए कितनी सारी राफ्टिंग वगैरह खड़ी हुई है, तो आप भी आइए और किस्मत आजमाइए और खतरों के खिलाड़ी बने। तो भाई लोगों मैं ऋषिकेश से आ चुका हूँ, तो आप लोगों ने देख ही लिया है, तो मैं घर रवाना होऊंगा, इससे पहले मैं यहाँ पे हरकीपुरी दोबारा आ गया हूँ नहाने के लिए। और मैंने अपनी बाइक को भी स्नान कर दिया है और मैं यहाँ पे लास्ट बार आपको यहाँ के व्यू दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए हरिद्वार का कितना प्यारा नज़ारा है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आकर। और गंगा माई से जय हो, मैं तो यही कहूँगा भाई आइए और बहुत ही अच्छे से ऊपर आइए भाई प्लीज़, यहाँ पे चैन सेकी ना मारिए, चैन पकड़ के ही आप यहाँ पे स्नान करें, क्योंकि सेकी ना मारिए, जिनको तैरना आता है तो भले ही वो तैर सकते हैं, पर मैं तो ये कहूँगा कि भाई सावधानी रहे। और आप यहाँ पे देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, और प्लीज़ यहाँ गंदगी ना मचाइए, गंदगी वगैरह ना फैलाइए, आप आओ बहुत, आप अच्छे से रहोगे तो और भी लोग आएंगे यहाँ पे, अच्छा लगेगा। तो गाइस आज का ब्लॉग समाप्त हुआ दिल्ली से हरिद्वार का, तो आप देखिए मेरे पीछे गंगा जी है, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बता दें वीडियो कैसे लगी आपको। जय हिंद जय भारत जय गंगा माता की जय।